दोस्तों, आग बुझाना काफी मुश्किल काम होता है, जिसके लिए हमारे फायर फाइटर हमेशा तैयार रहते हैं और वे अपनी जान पे खेल करके इस काम को अंजाम देते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ ऐसे ही कमाल के गैजेट दिखाने वाले हैं जो आग बुझाने के लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस कमाल के वीडियो को, बट उससे पहले रहेगी एक छोटी सी रिक्वेस्ट। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर कर ले और वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूले। नंबर वन, IFEX शॉटगन। आग को बुझाने के लिए ज्यादातर लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पानी की एक खास बात यह होती है कि यह जितने जगह में गिरेगा उस जगह का तो आग बुझ जाता है, लेकिन अगल बगल में आग वैसे ही जलते रहती है। तो दोस्तों, इसी टेक्नोलॉजी को देखते हुए खास तौर पर बनाया गया इस तरीके के कमाल गैजेट को। देखने में तो यह आपको एक शॉटगन की तरह दिखेगा, लेकिन इसकी सबसे खास बात तो यह है कि इसके अंदर से 400 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से पानी को थ्रो किया जाता है, जिससे पानी का सरफेस एरिया काफी बढ़ जाता है और ये पानी की छोटी छोटी बूंदे आग को बुझाने का काम करती है। ये टेक्नोलॉजी काफी कारगर होती है आग को बुझाने के लिए और हमारे फायर फाइटर के पास तो इस तरीके का गैजेट होना ही चाहिए। नंबर टू, हैंज एरियल फायर फाइटर सॉल्यूशंस। दोस्तों, आजकल बिल्डिंगें जो होती है काफी ऊंची ऊंची बनती है, जिनमें अगर आग लग जाए तो उसको बुझाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि वहां तक फायर फाइटर को पहुंचने में ही काफी ज्यादा समय लग जाता है। तो वहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरीके के ड्रोन को, जो आपको इस काम को करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों, यह एक ऐसा मल्टीपफेला ड्रोन है जो काफी पावरफुल होता है और इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। इसमें आगे एक छोटा सा लॉन्चर लगा होता है जो फायर एक्सटिंग्विशर को लॉन्च करता है। जैसे ही ये फायर एक्सटिंग्विशर इंटर करता है, इसके बाद यह ब्लास्ट हो जाता है और आग बुझ जाती है। यह एक विशेष प्रकार का रिमोट कंट्रोलिंग ड्रोन होगा, जिसे आप अपने रिमोट के द्वारा भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही इसमें आगे एक कैमरा भी लगा रहता है, जिससे आप लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं कि यह क्या कर रहा है। नंबर थ्री, रफ फायर एक्सटिंग्विशर। दोस्तों, अगर आप किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को देखेंगे तो वे नॉर्मली बड़ा और भारी भरकम होते हैं, जिसका उपयोग करना काफी उलझन भरा होता है। लेकिन आप अपने घर में सेफ्टी पर्पज से किसी फायर एक्सटिंग्विशर को रखना चाहते हैं तो आपको इस फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग जरूर करना चाहिए। ये बेसिकली साइज में भी छोटा होता है और इसका उपयोग करना भी काफी आसान होता है। ये फायर एक्सटिंग्विशर एक विशेष प्रकार का केमिकल पाउडर रिलीज करती है, जो काफी इफेक्टिव होता है आग बुझाने के लिए। साथ ही साथ इसमें इंस्टेंट टेम्परेचर रिडक्शन भी होता है, जिससे आग बुझने के बाद तुरंत आप उसे टच भी कर सकते हैं। नंबर फोर, बिग मॉड्यूलर ग्रॉस वेंटिलेटर। आग बुझाने के तरीकों को देखे तो ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप आग बुझा सकते हैं, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी दिन पर दिन एडवांस होती जा रही है, जहाँ पे कम पानी में आग को बुझाना भी अपने आप में एक चैलेंज है। इसी को देखते हुए बनाया गया इस प्रकार के विशेष गैजेट को। दोस्तों, इसमें आगे की ओर एक पावरफुल फैन लगा होता है, जो दिखने में काफी बड़ा होता है, और जब इसे ऑन किया जाता है तब आपको काफी ज्यादा आवाज भी सुनाई देता है, क्योंकि इसके फैन काफी तेजी से मूव करती है, जो पानी के छोटे छोटे बूंदों को काफी तेजी से थ्रो करता है, जिससे आग बुझ जाती है। इस गैजेट का उपयोग वहाँ किया जा सकता है जिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आग लगने की संभावनाएं काफी अधिक होती है। नंबर फाइव, रिटेलर डगर। दोस्तों, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, अगर वहाँ आग लग जाए तो उसे बुझाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे जनरली अगल बगल में छोटे छोटे तालाब बना दिया जाता है, जिसमें पानी को हमेशा भर कर रखा जाता है, और आग लगने की स्थिति में इस पानी को पंप की मदद से खींच कर आग को बुझाई जाती है। तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ इस तरीके के सिस्टम को। इसे ऐसे जगह पर इंस्टॉल कर दिया जाता है जहाँ पे वाटर सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, और इसमें लगे पंप पानी को खींचने का काम करते हैं। इसमें आगे दो नोजल्स लगे होते हैं जो पानी के छिड़काव के लिए बनाया गया होता है, और इन दोनों ही नोजल से काफी हाई प्रेशर में पानी को रिलीज किया जाता है, जो आग बुझाने का काम करती है। इसका उपयोग उन बड़े बड़े फैक्ट्रियों में किया जा सकता है जहाँ पे आग लगने की संभावनाएं काफी अधिक होती है, और इसकी मदद से आग को बुझाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे फिर ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।